Yeah, good evening everyone. Today we are discussing a topic of class 11th mathematics, one of the very important topic called relation. Name of the chapter, as you know, chapter number 2 is relation and function. Same chapter is there in class 12th as well, it's modification only, right? So you got to understand this topic very carefully so that you can apply that in class 12th as well. To start with the definition of relation, कोई भी रिलेशन जो कैपिटल आर होता है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से ए और कोई नॉन एम्प्टी सेट है बी, वो एक सबसेट होता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी का. ए क्रॉस बी के लिए हमने पिछली वीडियो में काफी काम किया, आपको पता ही है. ये जो सबसेट होता है ये डिराइव किया जाता है एक रिलेशनशिप के द्वारा जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के ही ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए क्रॉस बी के. उसके द्वारा इमेज क्या होती है, जो सेकंड एलिमेंट होता है हर ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन आर में, जो भी सेकंड एलिमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे. डोमेन, आम भाषा में डोमेन अधिकतर एक्स वाली वैल्यूज होती हैं और जो रेंजेस होती हैं वो वाई वाली वैल्यूज होती है, राइट. डोमेन की डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम अ सेट कैपिटल ए टू अ सेट कैपिटल बी, इसको हम डोमेन बोलते हैं. कोडोमेन, जो सेट बी होता है उसी को कोडोमेन कहा जाता है रिलेशन कैपिटल आर के अंदर है. बस आपको ये बात याद रखनी है कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट भी है और उसके बराबर भी होती है. फंक्शन के बारे में अभी कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि फंक्शन के लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे. स्ट्रिक्टली इस वीडियो में हम रिलेशन की ही बात करेंगे, राइट. तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी रिलेशन की. अब जरा अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, पेज नंबर है 28, इससे समझते हैं थोड़ा रिलेशन को. यहां पर आप दो सेट कंसिडर कर लीजिए, कैपिटल पी के अंदर है एलिमेंट ए बी सी और क्यू के अंदर है अली भानु बिनॉय चंद्रा और दिव्या. तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो आप निकाल सकते हैं ना खुद, ए कॉमा अली, ए कॉमा भानु, ए कॉमा बिनॉय, ऐसे करके होगा, राइट. ऐसे करके सी कॉमा दिव्या लास्ट होगा, वो आप खुद बना सकते हैं. तो उसमें पी और क्यू जो है उसमें 15 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, जैसे मैंने बताया अभी आपको, ए कॉमा अली, ए कॉमा भानु, ए कॉमा बिनॉय, ए कॉमा चंद्रा, ऐसे चलता रहेगा. और फिर लास्ट में सी कॉमा अली, सी कॉमा बिनॉय, भानु, सी कॉमा चंद्रा, ठीक है, फिर सी कॉमा दिव्या तक बच जाएगा, राइट. तो यहाँ पर जो कैपिटल आर है, जो रिलेशन है, देखिए ऐसे दो ऐसे सर्कल बनाने हैं, इन्हें अलग अलग उससे डिनोट करना है. यहाँ पर P के एलिमेंट लिख दिए ए बी सी और यहाँ पर Q के एलिमेंट्स लिख दिए अली भानु बिनॉय चंद्रा और दिव्या, ठीक है. तो इनसे हमें एक सबसेट मिल जाएगा P बाय Q का, जिसमें हम कोई रिलेशन R इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें जो पहला एलिमेंट X है और जो सेकंड एलिमेंट Y है वो पूरे के पूरे ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई के. यहाँ पर देखिए रिलेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, x कॉमा वाई रेशियो, x जो है फर्स्ट लेटर जो है नेम का वो y है, राइट, सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल p एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल q. ये p था और ये q था, आपको पता ही है, ठीक है. तो रिलेशन के अंदर आप कौन कौन से आ जाएंगे, आपके a के साथ अली आ जाएगा, b के साथ भानु आ जाएगा, स्मॉल देखो ना स्मॉल a है, यहाँ पर सेम हो गया ना लेटर और यहाँ भी अली है, बाकी सबको नेगलेक्ट कर दिया, स्मॉल ए भानु नहीं होगा, सिर्फ स्मॉल ए के साथ कौन आएगा, अली आएगा क्योंकि दोनों का फर्स्ट लेटर ए है. ऐसे स्मॉल बी के साथ भानु भी आएगा और बिनॉय भी आएगा और स्मॉल सी के साथ चंद्रा आएगा और दिव्या किसी के साथ रिलेशन में नहीं आएगी, ठीक है ना. तो ये ध्यान रखना. और इसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का, इसे कहते हैं एरो डायग्राम, ये आप बना के देख सकते हैं, राइट. डेफिनेशन नंबर टू ये कहती है कि कोई भी रिलेशन अगर कैपिटल आर है जो कि नॉन एम्प्टी सेट ए से है तो वो नॉन एम्प्टी सेट बी का वो एक सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बाय बी का. ये मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया आपको, ठीक है. तो ये जो सबसेट है ये डिराइव कैसे किया जाता है, ये डिराइव किया जाता है बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड दैट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट जिनकी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए क्रॉस बी, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो इमेज भी कहते हैं उसे फर्स्ट एलिमेंट की. अभी जब क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे कैसे इमेज निकालनी है, ठीक है. डेफिनेशन नंबर थ्री ये कहती है कि जो सेट होता है सभी एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में किसी भी रिलेशन कैपिटल आर में
वो सेट ए से सेट बी में उसी को डोमेन किया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि एक्स वाली वैल्यूज होती है। डेफिनेशन नंबर फोर ये कहती है, अभी जब क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। डेफिनेशन फोर कहती है द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम अ सेट कैपिटल ए टू अ सेट कैपिटल बी, उसको रेंज कहा जाता है किसी भी रिलेशन में, और जो पूरा का पूरा सेट कैपिटल बी है उसे कोडोमेन कहते हैं, ठीक है, उसी रिलेशन कैपिटल आर का। बस याद रखना कि रेंज क्या है, वो एक सबसेट है किसका, कोडोमेन का, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि कोई भी रिलेशन उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एल्जेब्रिकली इधर बाय द रोस्टर फॉर्म या बाय सेट बिल्डर मेथड, और एरो डायग्राम जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिलेशन का। एग्जांपल तो मैं चाहूंगा आप खुद ही कर लें, राइट, उस पर हम समय नहीं व्यर्थ करेंगे। अगर स्टिल कोई डाउट हो एग्जाम्पल में तो आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं सेट ए से सेट बी में, इट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स जो ए बाय बी के होते हैं। जैसे एन ऑफ ए में पी है और बी सेट में अगर क्यू एलिमेंट्स है तो एन बाय एन ऑफ ए बाय बी क्या हो जाएगा, पी इन टू क्यू हो जाएगा, राइट। अब मैं चाहूंगा आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें पीयूष। लेट ए इक्वल्स 1, 2, 3, 14 डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इक्वल्स एक्स कॉमा वाई 3x minus y equals 0 where x comma y belongs to a, write down its domain, codomain and the range। सबसे पहले मैं आपको लिख के समझाता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर नजर आएगा, राइट। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज है हमारी 2.2, मैं चाहूंगा मेरे साथ साथ करें। क्वेश्चन नंबर है ये 1 NCERT से, पेज नंबर है 29, ठीक है। a जो है वो दिया हुआ है 1, 2, 3 अप टू 14 दिया हुआ, ठीक है। और यहां पर रिलेशन जो है वो गिवन है x कॉमा y 3x माइनस y इक्वल टू 0, यहां पर x कॉमा y जो है वो a से बिलोंग करता है। आपको डोमेन को डोमेन और रेंज बतानी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले ये जो रिलेशन इन्होंने लिखा हुआ है इसके हम डिफरेंट है ना, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके वो निकालते हैं नंबर, ठीक है ना। जैसे देखो ये जो 3x माइनस y इक्वल टू 0 है, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। फिर एक इसका टेबल बना लें यहाँ से, जैसे ग्राफ में आप बनाते थे। देखो x अगर 1 है तो y कितना आ रहा है, 3। x अगर 2 है तो y कितना आएगा, 6। x अगर 3 है तो y कितना आएगा, और x अगर 4 है तो y 12 आएगा, राइट। तो ये एलिमेंट हम इसमें, क्योंकि देखो ये जा तो a हमारा मतलब 1 टू 14 है, पर अगर 5 क्यों नहीं लिया यहाँ पर, जैसे 5 पे x अगर 5 है तो y आ जाएगा 15, तो फिर वो उस रेंज से बाहर चला जाएगा ना 14 की, बात समझ रहे हो। तभी x को 5 नहीं लिया, क्योंकि x को 5 लेता तो y आता 15 और वो इससे बाहर चला जाता है, ठीक है। तो रिलेशन में एक सेकंड, तो ध्यान रखिएगा, तो यहां पर हमारे r क्या आ गया, 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। आई होप ये तो क्लियर है आपको इजीली, ठीक है। अगर आप इसका एरो डायग्राम बनाना चाहे ना, ऐसे दो सर्कल बना लें सबसे पहली बात तो बड़े बड़े से, ठीक है ना। अब यहां पे 1, 2, 3, 4 को थोड़ा सामने लिख लें, क्योंकि उन्हीं का एरो बनाओगे किसके साथ, 3, 6, 9 और 12 के साथ। तो यहां पर मैं चाहूंगा 3, 6, 9 और 12 ऐसे डॉट लगा के ना इन्हें लिख लें, क्योंकि इन्हीं की मैपिंग होगी भाई, बाकी सारे तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 बाकी अब ऐसे लिख लो, बेशक यहां लिखना है लिख लो 5, 6, 7, 8, 9, ये कहां तक जा रहा था, 14 तक, 11, 12, 13 और ये 14, ठीक है ना, जो जो एलिमेंट्स इसमें थे। क्योंकि ये जो पहला वाला है, मतलब ये एक हम विजुअल इसका रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं रिलेशन को, और यहां पर भी ऐसे 1, 2, 3 आ गया, 4, 5 नहीं है,
सिक्स है, ये सिक्स लिखा बेटा है, सेवन, फिर एट, नाइन ऑलरेडी लिख लिया, टेन, इलेवन, थर्टीन और एक ये फोर्टीन, ठीक है, ये डॉट लगा के आगे। अब आप ध्यान से देखिए, वन की किसके साथ हो रही है मैपिंग, थ्री के साथ, क्योंकि वन कॉमा थ्री है, वो तो वहां पर जो दिया हुआ था ना रिलेशन, मतलब 3x इक्वल टू y, उसी के हिसाब से मैंने किया, राइट? यस। 3 के 9 के साथ और 4 की 12 के साथ, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो अब इसकी बाकी वैल्यू मैं लिख देता हूं, जैसे कि है डोमेन, डोमेन में कौन कौन से आ जाएंगे, सारे x वाले क्या थे, 1 से लेकर पूरे 14 तक, ठीक है ना, और इसका कोडोमेन भी सेम है, बस याद रखना रेंज जो भी होगी ना वो कोडोमेन का सबसेट होनी चाहिए, भूलना मत ये बात, अभी बताई थी ना कि रेंज मस्ट बी सबसेट ऑफ कोडोमेन, अभी मैंने अगर आपको ध्यान हो तो ये बात बताई भी थी, ठीक है ना, या तो रेंज उसके बराबर होनी चाहिए, अभी मैं ये प्रूफ भी करा दूंगा कि रेंज जो है या तो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए या उसी का सबसेट होना चाहिए, तो कोडोमेन चूज करते हुए ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले कोडोमेन बताना, थर्ड पार्ट में कोडोमेन भी इसका सेम ही होगा, अभी आप डिफरेंट टाइप के करोगे ना खुद समझ जाओगे, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू 14 तक, और फोर्थ पार्ट था इसका रेंज, रेंज में होती है y वाली वैल्यूज, अगर आपको ध्यान हो y की क्या आई थी वैल्यूज, ये देखो ये वाली 3 6 9 और 12 3 6 9 और 12, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिससे हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सब निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ, राइट? यस। दो मिनट दीजिए, और मैं चाहूंगा इतना सेकंड क्वेश्चन गो थ्रू करो, अभी आप रीड भी करना, ठीक है, एक सेकंड, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, राइट? ओके, आगे देखिए, अब मैं चाहूंगा आप इसका सेकंड क्वेश्चन रीड करें, सेकंड जो क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, हाँ जी। डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर इक्वल्स एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल्स एक्स प्लस फाइव कॉमा x is a natural number less than 4, x comma y belongs to n. Depict this relationship using roster form. Write down the domain and the range. तो यहाँ पर कोई भी relation है, capital R, जो set है सभी natural numbers का, ठीक है, और relation को यहाँ लिख रहे हैं, पहले मैं लिख के आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद easily आराम से करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 2, यहाँ पर जो रिलेशन है R का मतलब रिलेशन है वो दिया हुआ है कितना, y is equal to x plus 5, ठीक है, x यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, लेस देन 4 है नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 4 है, कह रहा है कि x कॉमा y जो है, मतलब y भी नेचुरल नंबर ही आ रहा है, ठीक है ना, अब कह रहा है इसी को हमें रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, एरो डायग्राम, हाँ लेस देन इक्वल टू है बोला है ना, नहीं सिर्फ लेस देन बोला है, ओके, तो इक्वल टू नहीं है, राइट, सिर्फ लेस देन 4 बोला है, ये आप ध्यान रखना, x इज लेस देन 4, ठीक है, तो सबसे पहले इसी को लिख के देखते हैं, देखिए r जो है हमारा कुछ ऐसे है, x इक्वल टू क्या है, y माइनस 5, x जो है एक नेचुरल नंबर है, राइट, विच इज लेस देन 4, ठीक है, x कॉमा y जो है बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल N से, राइट। अब इसी चीज को उन्होंने दूसरा इसका फॉर्म, यहाँ पर मैं एक टेबल बना के देख लेता हूँ, y क्या था हमारा, x प्लस 5 था, ऐसे है ना, अलग से टेबल जैसे ग्राफ में बनाते थे ना,
वैसे ही बना लो सबसे बढ़िया। देखो x अगर 1 है, x तो 1 2 3 होगा, नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 है, तो y कितना आ रहा है x अगर 1 है तो 6, 2 पे 7 और 3 पे 8 आ रहा है, राइट। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे, आपको पता है दो फॉर्म होती है, रोस्टर और सेट बिल्डर। ये वाली कौन सी थी? सेट बिल्डर, दूसरी रोस्टर, राइट। उसमें सिर्फ पॉइंट्स देते हैं, वो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको याद दिया, राइट। तो ये हो गया 1.6, 2.7 और 3.8, ये दोनों फॉर्म में हमने लिख दिया, राइट। अब बात करते हैं डोमेन की। बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे केसेस में ना डोमेन याद रखा करो, एक्स वाली वैल्यूज हैं और रेंज वाई वाली वैल्यू, वाई वाली वैल्यू, वाई वाली क्या है, 6, 7 और 8 है, ठीक है। अब ऐसे बना लो दो सर्कल, इसका मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हमें दिखाना है ना, ठीक है ना। तो x में क्या बनाओगे, 1, 2, 3, और इसका रिलेशन किसके साथ है, 6, 7, 8 के साथ। तो यहाँ ऐसे डॉट लगा दो, यहाँ भी इनके सामने ऐसे डॉट्स लगा दीजिए और बस ये बता दीजिए, 1 का 6 है, 2 का क्या था, 7 और 3 का क्या था, 8, अगर आपको ध्यान, ठीक है, बस इतना सा काम करना। थर्ड क्वेश्चन प्लीज। A equals 1, 2, 3, 5, B equals 4, 6, 9, define a relation from A to B by R equals X, Y. The difference between X and Y is odd. X belongs to A, Y belongs to B. Write R in roster form. देखो यहाँ A और B दो different sets given है और relation ऐसे बताना है कि जो difference हो ना X और Y का, हमेशा odd वाला चाहिए और उन्हीं को लेना है, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो मैं लिख के बता देता हूँ, A कितना दिया हुआ है, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3 और 5 दिया हुआ है, और B कितना दिया हुआ है, 4, 6, 9 दिया हुआ है। अब हमें ये बोला इसने कि R जो है ना वो क्या होना चाहिए, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन जो x और y के बीच का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है, सच दैट x बिलोंग कर रहा है कैपिटल A से और y बिलोंग कर रहा है B से, और हमें रोस्टर फॉर्म यानी कि ऐसे वाली फॉर्म में लिखना है, यहाँ लिख भी सकते हो ये रोस्टर फॉर्म है, और ऐसे जो वर्ड्स में होती है वो कौन सी होती है, सेट बिल्डर, राइट। तो देखिए, तो ए और बी आपके सामने थे, तो भाई माइनस करके बताओ ना एक्स और वाई का जो डिफरेंस है। देखो 4-1 क्या होता है, 3 होता है कि नहीं, सिर्फ ऑड वाले लेने, तो एक हो गया 1.4। इसके बाद देखो 1.6 ले लेते हैं, क्योंकि 6-1 क्या होता है, 5, ऐसे ले लेता हूँ 2.9, 1.9 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 9-1 8 होगा, 2.4 भी नहीं हो सकता, 2.6 भी नहीं हो सकता, तो 2 के साथ तो एक ही बन रहा है 2.9, ठीक है। ऐसे 3.4, क्योंकि 4-3 1 होगा, फिर उसके बाद 3.6, फिर और 3.9 नहीं हो सकता, राइट, 5.4 और 5.6, ठीक है, क्योंकि इन सबको बेटा सब्ट्रैक्ट करके देख ले और नंबर, राइट। सबसे पहले मैं आपको सेंड करता हूँ, सेंड हो रहा है, ठीक है, ये सेंड हो रहा है, ओके। अब मैं देखो, अब अगला है हमारा, मैं चाहूंगा आप अगला क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन नंबर है अगला 4, एक सेकंड रुकिए, मैं स्क्रीन पे दिखा दूं आपको क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 2.7 shows a relationship between the set P and Q. Write this relation in set builder form, second roster form. What is its domain and range? तो एक एरो डायग्राम इसका गिवन है हमें, P और Q का अलग अलग एलिमेंट्स उसके गिवन है, और हमें सेट बिल्डर और रोस्टर दोनों में लिखना है। तो सबसे पहले मैं यही जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, आपको वो बना देता हूँ ताकि आप अच्छे से बता सको यहाँ से भी, ठीक है। एक है हमारा P, P के अंदर जो एलिमेंट है वो है 5, 6 और 7,
और एक है हमारा क्यू, थ्री फोर और फाइव, फाइव के साथ थ्री, सिक्स के साथ फोर और सेवन के साथ है फाइव, ठीक है। तो रिलेशन देखो दोनों में दो दो का डिफरेंस आ रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो फाइव माइनस थ्री टू, सिक्स माइनस फोर टू और सेवन माइनस फाइव भी टू। तो सबसे पहले वर्ड वाली कौन सी फॉर्मेट थी, सेट बिल्डर। तो सबसे पहले सेट बिल्डर में लिख लेते हैं भाई, हैं सेट बिल्डर फॉर्म में इसे आप कैसे लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट सबसे पहले, x कॉमा वाई रेशियो x माइनस वाई टू आ रहा है। और ध्यान से देखो x किस किस के बीच में लाई कर रहा है, फोर और एट के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे है कि x और y दोनों जो है ना वो नेचुरल नंबर है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इंटीजर्स मत ले लेना, उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। और सेम उसको पीयूष अब हम लिखेंगे किसमें, रोस्टर फॉर्म में, मतलब वर्ड फॉर्मेट में, राइट। तो रोस्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है, सॉरी सेट बिल्डर वाज वर्ड फॉर्मेट, रोस्टर फॉर्म मतलब न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, याद रखना। तो न्यूमरल की फॉर्म में तो बहुत आसान है, देखो पहला क्या था 5.3, एरो डायग्राम से हमने ऑलरेडी बता दिया था, दूसरा था 6.4 और फिर था 7.5, ठीक है। और अगर इसी का आपको डोमेन और रेंज बताने को आ जाए तो डोमेन में कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, x की सारी वैल्यू, हाँ, तो कर्ली ब्रैकेट में लिख लो 5, 6, 7 और रेंज में 3, 4, 5, याद रखिएगा, ठीक है, ये रेंज में आ जाएंगे, राइट। तो ये था क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पहले मैं आपको सेंड कर देता हूँ ताकि एक रिकॉर्ड रहे हमारे पास, चैट डिलीट मत करना, ठीक है, एक रिकॉर्ड रहेगा। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ और साथ साथ मैं चाहूंगा पीयूष आप अगला क्वेश्चन भी रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर अगला है 5। Let A equals 1, 2, 3, 4, 6. Let R be the relation on A defined by R, B ratio A, B belongs to A. B is exactly divisible by A. Write R in roster form. Find the domain of R. Find the range of R. मैं आपको लिख के समझाता हूँ पहले A क्या दिया हुआ है और relation क्या दिया हुआ है, right? सबसे पहले मुझे पूरा पेज चाहिए, इसके लिए मैं रब कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो ए देखो कितना दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 6, वेरी राइट। और आर जो है ना वो रिलेशन है ऑन कैपिटल ए, जिसे डिफाइंड ऐसे किया गया कि आर जो है वो क्या है, a कॉमा बी रेशो स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल a, स्मॉल b भी कैपिटल a से बिलोंग कर रहा है और a डिवाइड कर रहा है b को। कहने का मतलब है डेसिमल वालों को नेगलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें से ऐसे चूज करने हैं और प्रॉपर रोस्टर फॉर्म में बनाने हैं, ठीक है। देखो इन्हीं एलिमेंट यही सारे हैं, इन्हीं में से उठाने हैं जो भी है, ठीक है। जैसे देखो 1.1, 1 खुद को डिवाइड करेगा 1 से, ठीक है ना, ऐसे ही 1.2 क्योंकि 2/1 भी 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 1.3, 1 के साथ तो सारे ही होंगे, राइट। 1.4 फिर 1.6 क्योंकि 6/1 करो चाहे 4/1 करो, हर बार आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही 2.2 होगा, 3.2 नहीं होगा, सॉरी 2.3 नहीं होगा क्योंकि 3/2 1.5 आएगा, वो डेसिमल में है तो इनके हिसाब से वो डिवाइड नहीं कर रहा प्रॉपरली, ठीक है। तभी 2.2 के बाद कौन सा आएगा, 2.4 क्योंकि 4/2 क्या होगा, 2 होगा। 2.6 भी क्या आएगा, 3 आएगा तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ऐसे 3.3 आएगा, 1.2 और 2.1 तो एक ही बात होंगे ना, तभी वो नहीं आते, ठीक है। अब आप ऐसे बोलो ये 3.3 लिख दिया, फिर से 3.3 पर वो एक ही काउंट होगा, ठीक है। ऐसे ही 3.6 और 6.3,
क्योंकि उसने ये भी बोला ए डिवाइड होना चाहिए बी से, बी बाय ए नहीं बोला ना, तो आप ऐसे क्यों ले रहे हो ए डिवाइडेड बाय, ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी से डिवाइड होना चाहिए, ए बी से डिवाइड होनी चाहिए, मतलब 6 बाय 1, 2 बाय 2, 1 ऐसे। ओके 3.6 के बाद 4.4 और एक लास्ट आ जाएगा 6.6। अगर आपके मन में और कोई आ भी रहे हैं तो वो ऑलरेडी, जैसे अगर आपके मन में आ रहा है 2.6 है तो 6.2 क्यों नहीं है, पहली बात तो ए डिवाइड बी है, समझे, बी डिवाइड ही नहीं है, अगर वो होता तो देखते, ठीक है। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में अब इसका डोमेन बताना है इस रिलेशन का, तो डोमेन में तो यही आ जाएंगे भाई, 1x वाले, x वाले सारे क्या हैं, 1, 2, 3, 4 और 6 है, और रेंज में 1, 2, 3, 4 और 6 आ जाएंगे, राइट, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहूंगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय r equals x comma x plus 5 ratio, x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5. मैं लिख के समझाता हूँ, राइट, ये क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारा यहाँ खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6, जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ x comma x plus 5 ratio, x किससे बिलोंग कर रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 से, याद रखना, ठीक है। तो इसकी डोमेन में कौन सी आ जाएंगी, x वाली वैल्यू आ जाएंगी, साफ साफ है। आप चाहें तो r का वो भी बना सकते हो अपना दूसरा वाला फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, आपकी मर्जी है, और चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि डोमेन तो यही होगा ना भाई, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और रेंज में क्या आएंगी, जो y वाली वैल्यूज है, ठीक है ना, याद रखना डोमेन आया कैसे है, ऑन पुटिंग x इक्वल टू, इसमें पुट कर रहे हैं, x में ही पुट कर रहे हैं, ठीक है, और रेंज क्या आएगी, y वाली वैल्यू, x कॉमा x प्लस 5, तो x प्लस 5 में पुट करो, 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, यही x वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ x प्लस 5 के अंदर, क्योंकि y क्या दिया हुआ x प्लस 5, अगर आपका ऐसे ना मानो ना तो आप ऐसे टेबल बना लो एक, अगर ऐसे दिक्कत लग रही हो तो यहाँ ऐसे लिख दो, x तो x है और y कितना है, x प्लस 5, x प्लस 5, अब देखो x की जगह जब 0 पुट कर रहे हो, ये x प्लस 5 लिखा, x की जगह 0 कर रहे हो तो y आ रहा है 5, x की जगह 1 कर रहे हो तो y आ रहा है 2 पे, 3 पे, 8 ऐसे, और पुट कहां तक करनी है, 5 तक, 4 पे क्या आ रहा है, 9, और 5 पे 10, ऐसे उठा लो, x वाली वैल्यू हो गई डोमेन, और रेंज हो गया 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, और ये साफ साफ मैंने ऊपर पुट करके बता ही दिया और डिटेल में, और ये किस में पुट किया था हमने वैसे, x प्लस 5 में, x में नहीं, इस बार y में पुट किया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूं पहले इतना, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूं, और अब मैं चाहूंगा आप रीड करें क्वेश्चन नंबर 7। ड्राइव की रिलेशन इक्वल्स x कॉमा x क्यूब रेशियो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो भाई x कॉमा x क्यूब है, y हमारा x क्यूब दिया हुआ है और x जो है प्राइम नंबर है व्हिच इज लेस देन 10। यही चीज मैं आपको जरा लिख के समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 7 और r हमें लिखना है, ठीक है, r वैसे क्या दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज अ प्राइम नंबर,
लेस देन एम, इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये गिवन है। मैं एक काम करता हूँ, पहले टेबल बना लेता हूँ, उससे थोड़ा ना आसानी हो जाती है, क्या बोलते हो? ठीक है, ऐसे वैल्यू लिख लो, ये x है और y कितना है, y है x क्यूब, जैसे हम ग्राफ बनाते थे। और प्राइम नंबर लेस देन 10 बोलो कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5 और 7, चार ही होते हैं, 8, 9, 10 तो होते नहीं है। तो x अगर 2 है तो y आ जाएगा 2 क्यूब यानी कि 8, 3 पे आ जाएगा 27, 125 और 7 क्यूब हो जाएगा 343, ठीक है। तो अब हम यहाँ डायरेक्ट r बता सकते हैं, ये हो जाएगा 2.8, 3.27, 5.125, 7.343, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अब मैं चाहूंगा पीयूष आप रीड करें क्वेश्चन नंबर, लेट ए इक्वल्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड बी इक्वल्स 1, 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ये हमें दिया हुआ, क्या दिया, x कॉमा y कॉमा z और b दिया हुआ 1, 2, नंबर ऑफ रिलेशन हमें बताना। अभी मैंने बताया भी था आपको नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, देखो मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ आपको। 8, ये क्या दिया हुआ है, x y z, b दिया हुआ है 1, 2, तो सबसे पहले क्यों ना हम a बाय b निकाल लें, लास्ट एक्सरसाइज में किया था हमने, याद है? यस, x कॉमा 1 बोलते जाइए, x कॉमा 2, y कॉमा 1, y कॉमा 2, z, z कॉमा 1, z कॉमा 2, और नंबर ऑफ a बाय b बताने हैं, a क्रॉस b बताने हैं, तो वो कितने आ गए हैं, 6। तो नंबर ऑफ सबसेट्स n a क्रॉस b में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2^6 यानी कि 64। देयरफॉर जो नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे गए थे फ्रॉम a टू b वो भी कितने हो जाएंगे, 64 ही हो जाएंगे। मैं आपको सेंड कर देता हूं, साथ साथ पहले मैं बोर्ड रफ कर रहा हूं क्योंकि अब एक ही क्वेश्चन रह गया हमारा डिस्कस करने को। मैं चाहूंगा पीयूष आप रीड करें, कुछ मेरे पास एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है, वो भी आप अलग से करके देख सकते हैं। और मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 9 रीड करें पहले। लेट आर डी रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इक्वल्स ए कॉमा बी रेशियो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज अ इंटीजर, find the domain and range of R. A minus B एक integer है, इस बार मैं लिख के समझाता हूँ, ठीक है। Question number ये हमारा 9th, R हमें दिया हुआ है A comma B, small a belong कर रहा है Z से, small a A and B, B B कर रहा है और A minus B एक इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a कॉमा b, a भी z से बिलोंग कर रहा है, b भी z से बिलोंग कर रहा है, और a और b क्या है, बोथ आर इंटीजर, तो भाई डोमेन में क्या आ जाएंगे, सारे x वाले मतलब z ही आ जाएंगे, राइट, और रेंज में सेम z ही आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने आपको एनसीईआरटी से बताया था कि पेज नंबर 2 पर एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं कि z
का मतलब है सारे इंटीजर, नेगेटिव से पॉजिटिव, z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। पेज नंबर 2 एनसीईआरटी पे आप चाहें तो इसका मीनिंग देख सकते हैं। तो क्लास ये थी वीडियोग्राफी, जिसमें हमने डिस्कस किया टॉपिक रिलेशन। जल्दी फंक्शंस के लिए भी एक नया वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।